अच्छा यार, मैं आपको एक बात बताना भी भूल गया। इतनी भूख लगी है, ये क्या था, किसी तरह मोबाइल बंद कर, बंद कर। यार क्या खिलाऊं मैं? वो क्या होती है? सेक्स। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज एक दोस्त को मिलने जा रहा था जो तकरीबन 3 महीने पहले या 2 महीने हो गए होंगे, शायद 2 महीने हो गए होंगे, कि दुबई से आया था। तो आया हुआ है तब का, एक बार भी नहीं मिला फिर से उसे, क्योंकि यार एक तो जाना नहीं हुआ, मसरूफियत थी कुछ, इसलिए मैंने कहा चलो आज मिल लाते हैं। उसे कॉल वो भी कर रहा था, मेरा भी दिल था, चलो मैंने कहा मिल लेते हैं, और आपको भी, चलो मैंने सोचा कि आपको भी साथ ले चलते हैं आज, क्योंकि मिलना है यार उसे। कह रहा है कि दोबारा जा रहा हूँ ना दुबई, देखते हैं। ऐसे कहता रहता है, मेरे ख्याल में जाता नहीं, क्योंकि एक बार वो डेरा आया था, आपको शायद एक व्लॉग है उसमें भी है, आपको मिलवाता हूँ, आपको पता चल जाएगा कौन सा है। क्योंकि उस टाइम का वो कह रहा है कि मैं वापस जाऊंगा, अभी तक गया नहीं है। चलो मैंने कहा मिल ले यार, कब का आया है, फिर मिले भी नहीं है उससे, तो अभी जाते हैं उसके पास, आपको भी मिलवाते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। तकरीबन कोई 40-45 मिनट का सफ़र होगा, दरिया खान सिटी हो जाता है हमारे साथ तकरीबन। हमारा तो KPK में है डेरा इस्माइल खान, लेकिन ये पंजाब में है। तकरीबन 35 किलोमीटर होगा, तकरीबन 30-35 किलोमीटर होगा, अंदाज़ा मेरा, पूरा पता नहीं है, होगा इतना होगा। रिक्शे वालों को और बाइक वालों को जो गलत वो करते हैं ड्राइव, उन्हें तो तुम बुरा भला कहते हो, और जो ये ट्राली वाले ओवरलोडिंग करते हैं गन्ने की और रोड्स पर आ जाते हैं, इनको तो तुम कुछ नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा काम जो यही है। मैंने कहा यार बात ये है कि हम जो ट्राली और ट्रैक्टर निकालते हैं, हम तो सिर्फ पूरे साल में 2 महीने ही रोड पर निकलता है ट्रैक्टर, बाकी तो सारी साल वो खेतों में होता है, ज़मीनों पर। तो मैंने कहा ये तो होता है यार, 2 महीनों में, मतलब पूरा साल नहीं निकलते ट्रैक्टर, सिर्फ 2 महीने। अभी मैं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि यार मतलब काफ़ी गलत लोडिंग की हुई है इन्होंने, ट्रैक्टर वालों ने काफ़ी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मतलब सा रोड का 3% हिस्सा तो इन्होंने वो किया होता है कवर। ये देखा है, अभी ट्रैक्टर आ रहा है ना, देखें आप, ये हमें आधा नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि ये यार चलो मतलब ये यार अब बस वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, कोच वाले हैं, मतलब कि यार वो भी गलत ड्राइविंग करते हैं। ये तो बेचारे 2 महीने के लिए रोड पर आते हैं ट्रैक्टर, तो इनके लिए इतना वो सख्ती नहीं होनी चाहिए। हमारे का भी मतलब दोस्त मुझे कहते हैं कि यार तो इनको तो नहीं कहता, मैं ये कहूँगा इनको भी कहूँगा बस। वेलकम टू पंजाब। अब ये ना देखें कि ये रोड बेस्ट है, ये बस अभी बनना है, बहुत दिन बाद अभी बनना है, लेकिन इस रोड का पहले कोई हाल नहीं था, आगे आप देख लेंगे कि कैसा है। ये है जी दरिया खान सिटी, और काफी छोटा सा शहर है। लेकिन
अच्छा शहर है बहुत, मेरे काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पर यार, लेकिन ये जिसे मिलने जा रहा हूँ ना, एक नंबर बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है बहुत, और जब आप देखेंगे तो पहचान जाएंगे, क्योंकि मेरे दो तीन व्लॉग तो हैं ना इसके साथ। वो जब दुबई से आया था, वो मैं व्लॉग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। और आपने वो दुबई वाला व्लॉग तो देखा हो जब हम दुबई गए थे। और ये आजकल पाकिस्तान है लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे, क्या नहीं ले रहे। और हम तकरीबन 3 महीने बाद हो गए, तीन महीने हो गए तुम्हें दुबई से आए हो, 3 महीने हो गए। हाँ तकरीबन 3 महीने हो गए। तो गन्ना है वो दरिया खान साइड पर, ये फैक्ट्री शुगर मिल है ना, ये देखे ना इतनी लंबी लाइन है। हमारी साइड मतलब जो वो है ना डेरा इस्माइल खान वाली मिल है, वहाँ पर इतना वो नहीं है, गन्ना नहीं है, पता नहीं। हाँ यहाँ पंजाब से जा रहा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ बहुत है यार, कितनी लंबी लाइन है, ये अभी जा रही है सारी लाइन। ये मतलब कहाँ से आ रहा है इस साइड? हाँ ये कहाँ से आ रहा है इस साइड से? नहीं इधर से जो आ रहा दूसरे रोड से। अच्छा बाईपास से, यानी कि उस साइड वाला नहीं, मियां वाली साइड वाला। अच्छा वो ज्यादा है यार, कितने लाइन है। ये सारा ऐसे होता है या बस आज ऐसे? तो नहीं नहीं ये तो कम है, आगे देखो। अच्छा अच्छा माशाल्लाह मलिक मूसा साहब ने भी कारोबार कर लिया है दुबई, अब नहीं जा रहा मैं आपको एक सरप्राइज दूँ। और कौन सा कारोबार किया बता? फार्म बनाया, फार्म बनाया है मलिक मूसा साहब ने। वो किस चीज़ का फार्म? अच्छा भैंस शैसे दूध भी फिर तो नहीं, नहीं दूध वाला नहीं, दूसरा। अच्छा दूध पिया करो यार, दूध तो पिया, बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या वजह? इश्क तो नहीं हो गए? हाँ ना यार को पता चलता है, लग तो ऐसे रह जैसे इश्क हो गया। अच्छा अगर कोई चीज़ आगे आ जाए ना पीने खाने की, तो उर्दू में उसे क्या कहते हैं? हम कुछ तो बात नहीं करते। अचानक चीज आ जाए मतलब क्या? किसी किसी की किस्मत इतनी हराम ही होती है कि ऐसे लोग आगे आ जाते हैं। और ये उन्हें घर अभी मलिक मूसा से कोई पेट पूजा करते हैं यार, क्या खिलाओगे आज? वो क्या होती है? सेक्सी कढ़ाई है। वो क्या है? हमारे साथ रहील भाई हैं और वफा अब्बास यहाँ से बोलना है। कहाँ से? यहाँ यार बताओ ना यार, इधर ये खान तो काफी बड़ा है, मैंने सोचा नहीं था बहुत बड़ा यार, इधर गाड़ी ठहरेगी, मैं तो कहता हूँ इधर ठहरा देते। नहीं नहीं ठहरा नहीं देते, ना आगे चले जाएं। बिल्कुल वो है यार, नहीं नहीं तंग है गली। नहीं नहीं तंग है, आप ना ख्याल कर लो, गली का लोग ठहर गया तो काफी तंग है यार। चलिए तो सही है, अगर आगे कोई चीज आ गई तो फिर रिवर्स करनी पड़ेगी। चाचा छिड़का रहा है, चाचा थिड़का रहा है। सीधे ठहरा ना दे, सीधा जाने मुझे लग। हाँ अंदर रश होगा काफी। नहीं नहीं वो जा रही है, टूटी जा रही है, हम भी जा रहे। यार उनका तो घर होगा इधर, हम भी उनके घर। यार मैं तो कहता हूँ इधर खुली जगह है। चौक इस भाई की है, पीछे कैमरा कर। कौन से भाई? ये वफा अब्बास बलू, ये इधर कतरा कतरा से, ये ऊपर ऊपर से। अच्छा आपकी है, इनकी है। वही थी मुझसे पहले रोक रहे थे भाई। हाँ यहाँ यहाँ आप भाई, यहाँ यहाँ वो पहले उतरी खड़ा दे उड़ी है। चलो इधर अच्छा बस इधर ठहरा दे। ये दरिया खान का बाजार है, दरिया खान का उस्ताद है यार। ये मैंने काफी छोटा समझा हुआ था। बाजार है वहाँ, कौन सा बाजार है? बर्तनों वाला बाजार है यार, मैंने काफी छोटा समझा हुआ था। दरिया खान बहुत बड़ा है और बहुत
मैं जब इंटर हुआ ना तो मैंने यही कहा, मैं तो काफी आता हूँ ना, लेकिन ब्लॉग जो देखते हैं ना भाई लोग, उन्हें मैंने कहा काफी छोटा है करिया, लेकिन काफी बड़ा। आज अंदर मैं अंदरून शहर में आ जाया हूँ, देखे यार इतने बड़े बड़े, ये तो डेरे से भी बड़े बाजार। ये कौन है मूसा? ये मलिक मूसा भाई ने आज मंगवाई है। ये क्या होती है? सुलेमानी कढ़ाई है। ये सुलेमानी कढ़ाई है यार, पहली बार खा रहा हूँ ना सुलेमानी, कभी नहीं खाई। मलिक मूसा कभी आपने पिज्जा खाया है? अच्छा इसे इस टाइम इतनी भूख लगी हुई है, इतनी भूख लगी हुई है, ये कहता किसी तरह मोबाइल बंद कर। चलो बिस्मिल्लाह करो। केशनल का तो चमची है ना, खा खैर शर्म न कर यार। ये वो किस तरह नहीं आने ने, घंटा थी क्या हूने आई है तो हूं आले रोटी नहीं आई, ले भी आओ यार। अभी रोटी खाइए, बिल्कुल फुल हो गए हैं मलिक मूसे से। और अभी इसे क्या कहते हैं, अंगीठी सेक रहे हैं। और अभी यार हम आ रहे थे तो इन्होंने एक बात बताई है कि यहाँ से दरिया खान में गाड़ियाँ भी चोरी होती हैं और बाइक भी। मलिक मूसे की अभी बाइक चोरी हुई है, कितने दिन हो गए? दो दिन हो गए हैं। और जब इन्होंने बताया कि गाड़ी चोरी होती है ना, मैं बस मेरी रोटी हजम हो गई उसी टाइम। मलिक मूसा बाकी बहुत अफसोस हुआ है यार आपकी वो बाइक चोरी हुई है। बिल कौन सा मॉडल था? 23। वो तो अभी लगा भी नहीं है 23। नहीं, दो तीन दिन हुए हैं। अच्छा, लेकिन खैर तुम दुबई से आए हो यार, वो तो मसला नहीं है, सिविक चोरी हो जाए कोई मसला नहीं। ये मेरी का कह रहे हैं? नहीं यार, ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार। यार कितना टाइम होगा, 9 बज रहे हैं अभी, बस फ्री हुए हैं, मूसा से लेते हैं इजाजत और अभी बस चाय पी, बिल्कुल फुल कर दिया है यार। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द, फिर आपको दिखाएंगे। ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे आज आपको बता दूं व्लॉग में, जो मेरा मतलब जिसके साथ बहुत ज्यादा दिल है और जो फ्रेंड है मेरा, सच्चा मोहब्बत है और मेरा सच्चा जो दोस्त है वो मलिक मूसा अवान, मलिक मूसा अवान ऑफ दरिया खान। इंशाल्लाह मिलते हैं, इजाज़त लेते हैं आपके साथ, जो हमें याद रखना आपका अपना मलिक मूसा। ये है जी, अगर आपको नजर आ रही है पंजाब और केपीके को जो पुल मिलाती है वो ये पुल है, ये दरिया सिंध वाली पुल इसे कहते हैं। और ये तकरीबन बस इसके बाद समझे के पीके शुरू हो गया। ये पुल है ना, ये दरिया सिंध वाली पुल है, ये बहुत लंबी पुल है, इसके बाद बस के पीके शुरू हो जाता है पंजाब के बाद। अच्छा, अभी मैंने दिया है टूल टैक्स, जो मतलब पंजाब से केपीके जाओ या केपीके से पंजाब आओ, ये जो भी आपको पुल दिखाई है ना इसके बाद देते हैं और लेते भी है। तो यार ये प्राइवेट गाड़ियों पर नहीं होना चाहिए, जो मतलब के मतलब जो ये गाड़ियां टैंकर हो गए, ट्रक वगैरह, जो सामान मतलब ट्रांसपोर्टर जो होते हैं इन पर होती है। हाँ, मोटरवे पर आप जा रहे हैं फिर भी है यार कि मोटरवे पर देना चाहिए चलो, लेकिन यार ये मतलब के पी के, हालांकि इस साइड पर भी घर हैं, उस साइड पर भी घर हैं, जो बंदा आता जाता है वो देता है, इतना फासला भी नहीं है यहाँ पर, मतलब टोल टैक्स हक नहीं बनता, अब समझ नहीं आती, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों इधर घर हैं लोगों के, उस साइड पर भी घर हैं लोगों के, कज़न हैं, मतलब आते जाते हैं लोग, के इतना टाइम भी नहीं लगता, आधे घंटे का सफ़र नहीं, और जो बिल्कुल करीब करीब पड़े हैं उनके तो 5 मिनट, लेकिन फिर भी ये लेते हैं टैक्स, क्या करें, हुकूमत है, देना पड़ता है, अब कुछ कह तो नहीं सकते इन्हें। अच्छा यार, मैं आपको एक बात बताना भी भूल गया कि मैंने लिया था ये 14 प्रो मैक्स ना, तो
और मैंने इससे व्लॉगिंग किया एक दो व्लॉग, लेकिन जो इसका मज़ा है ना जिससे मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ 11 प्रो मैक्स से, मतलब उसका रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा शाइनी, और जो मेरे पास 11 प्रो मैक्स है ना इसका रिज़ल्ट मतलब कुछ कलरफुल आता है, तो इसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। मुझे तो इसलिए 11 प्रो मैक्स ज़्यादा मज़ा कर रहा है, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ सेल दोबारा से। यो फहीम भाई है ना, उसको भी पसंद आया, छोटा भाई जो है, शायद उसको दे दूँ। तो अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, 11 प्रो मैक्स से तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो तो बेस्ट है व्लॉगिंग के लिए, लेकिन ये अब सोच रहा हूँ कि सेल कर दूँ। तो इससे का मशवरा दे कमेंट में कि क्या करूँ। तो बस ये छोटा सा टॉपिक था एक, मैंने कहा चलो जा रहा हूँ दोस्त को मिलने, तो आपको भी साथ ले जाऊँ, एक दो काम भी था वहाँ पर। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे हंसी आ गई, एक दोस्त कह रहा था कि तुम हर व्लॉग में लास्ट में ये कहते हो, मैंने कहा यार कहना पड़ता है लेकिन फिर भी नहीं करते, जो करने वाले होते हैं फिर भी नहीं करते लाइक सब्सक्राइब। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के किसी नए टॉपिक के साथ। तो अभी दें इजाज़त, अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर, लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।